हाल ही में रिलीज हुई तानाजी द अनसंग वॉरियर ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं। सूबेदार तानाजी मालुसरे के शौर्य गाथा पर आधारित इस फिल्म ने दर्शकों को भर भर के सिनेमाघरों तक खींचा है। फिल्म ने भारत से अब तक लगभग 119 करोड़ रुपए और दुनिया भर के कलेक्शन को मिलाकर कुल 152 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की है। बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञों के अनुसार तानाजी अब एक बॉक्स ऑफिस हिट बनने की ओर अग्रसर है। तानाजी ने फिल्म के लगभग हर पहलू के लिए खूब तालियां बटोरी हैं, चाहे वो अभिनय हो, संगीत हो या फिर VFX ही क्यों ना हो। नरवीर सूबेदार तानाजी मालुसरे के रूप में अजय देवगन ने एक अमिट छाप छोड़ी है, तो वहीं सैफ अली खान ने कोंढाणा दुर्ग के मुगल किलेदार उदय भान राठौड़ के रूप में सबको अपने अभिनय से रिझाया है। परंतु जिस एक एक्टर के चित्रण पर कम ही लोगों का ध्यान गया है, वह है ल्यूक केनी, जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया और ऐसा सटीक चित्रण किया है जो निसंदेह कुछ विशेष प्रकार के लोगों को बहुत चुभा होगा। ल्यूक केनी एक एंग्लो इंडियन एक्टर हैं जिन्हें रॉक ऑन, सेक्रेड गेम्स, इनसाइड एज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। तानाजी द अनसंग वॉरियर में उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार के लिए चुना गया था। उन्होंने जिस प्रकार से मुगल बादशाह का चित्रण किया है उससे कई लोग जल भुन के लाल पीले अवश्य हुए हैं। उदाहरण के लिए एक वॉक रिव्यू के इस अंश को ही देख लीजिए। कुछ उदाहरण को छोड़ दें तो मराठाओं को बिल्कुल कर्तव्य निष्ठ योद्धाओं के तौर पर दिखाया गया है। मुगल उल्टे लालची नीच लोग हैं जो जात और जान की मांग करते हैं। उन्हें दरिंदे और मौका प्रस्त बताया गया है। अच्छाई और बुराई की ये कथित लड़ाई 3D में दिखाई गई है, पर ओम राउत आपको इसके संदेहास्पद वन डायमेंशनल इतिहास के बारे में सवाल पूछने का जरा भी समय नहीं देते। अब ये कुंठा तो स्वाभाविक है, आखिर तीर जो निशाने पर लगा है। फिल्म में औरंगजेब का परिचय एक लंबे हृष्ट पृष्ट बाहुबली के तौर पर चित्रित नहीं किया गया है, जैसा कि हमारे लिबरल बंधु चाहते थे। इसके विपरीत उसे उनके वास्तविक रूप में दिखाया गया है, जो अपने खर्चे के लिए भले ही टोपियां बुनते हो पर अपने साम्राज्य का प्रभुत्व दिखाने के लिए लोगों के खून पसीने की कमाई और उनकी संस्कृति को लूटने से भी कोई परहेज नहीं करते थे। वास्तविक रूप से औरंगजेब के व्यक्तित्व का तानाजी से सटीक चित्रण तो शायद ही कभी किया जाएगा। औरंगजेब और उसके मुगल पूर्वज मूल रूप से उज्बेकिस्तान से आए थे, जो अधिकतर मध्यम कद के होते थे। इनके हाव भाव, इनका मुंह ज्यादा आकर्षक नहीं हुआ करता था और तो और इनके गालों पर दाढ़ी भी कभी उभर के नहीं आती थी। इसके साथ ही साथ औरंगजेब के सर पर कम ही बाल हुआ करते थे, जिसे ल्यूक केनी ने बड़ी कुशलता से पर्दे पर चित्रित किया है। अब जिनके लिए औरंगजेब जैसा शासक किसी आराध्य से कम नहीं है, उन्हें ऐसा यथार्थवादी नो होल्ड्स बार्ड चित्रण तो निस्संदेह बुरा लगेगा ही। इस फिल्म में एक जगह औरंगजेब के राज में होने वाले अत्याचारों को एक संवाद में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। दिन में तुम्हारी औरतें निकल नहीं सकती, तुम्हारे सामने तुम्हारे जानवरों को छीन के ले जाते हैं और यहाँ तक कि मरने पर तुम लोग खुलकर श्रीराम का नाम भी नहीं ले सकते। क्या जिंदा हो तुम लोग? वहां आलमगीर काशी विश्वनाथ को तोड़ रहा है और यहाँ उदयभान काशी को मार रहा है। द क्विंट, द लॉजिकल इंडियन जैसे कई पोर्टल्स तानाजी में मुगलों के चित्रण से काफी आहत हुए और उनके लेखों में साफ दिखाई देता है। एक जगह तो द लॉजिकल इंडियन ने लिखा है, चाहे बाजीराव मस्तानी हो या फिर पद्मावत, केसरी हो या मणिकर्णिका या फिर पानीपत और तानाजी जैसी फिल्में ही क्यों ना हो, अब जनता को ऐतिहासिक रूप से गलत और बकवास कहानियां बताई जा रही हैं, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल सके। प्लॉट लगभग एक समान रहता है। नैतिकता या मातृभूमि के लिए युद्ध होता है, जिसमें लगभग हर बार एक मुसलमान ही होता है। आय हाय, जलन तो देखिए इन साइट्स की। तानाजी द अनसंग वॉरियर न केवल दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही है, अपितु इतिहास के लगभग 100% सटीक चित्रण को पर्दे पर रूपांतरित करने में भी सफल रही है। अब समय आ गया है कि इतिहास के वास्तविक चित्रण को हम जितना हो सके उतना बढ़ावा दें और तानाजी जैसी फिल्में इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।